इस मॉड्यूल में हम नाइडेरियंस की रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट फिनमिना जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में मौजूद होता है और नाइडेरियंस के अंदर ये एबिलिटी है कि ये अपने आप को रीजनरेट भी कर सकते हैं रीजनरेशन क्या होगा कि अगर कोई भी एक बॉडी का हिस्सा या बॉडी का एक ऑर्गेन uh, uh, अपने आप को लूज़ कर जाता है तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि उस बॉडी पार्ट को या बॉडी ऑर्गन को ये दोबारा से रीजनरेट कर लेता है अब इसके अंदर कनाइडेरियस के अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होगी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसके अंदर जो कॉमन प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स में उसको हम कहते हैं बडिंग और सी एन जो हैं नॉर्मली अपने आप को ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी बडिंग के अंदर अंगेज रखते हैं और इसमें इस प्रोसेस को हम कहते हैं पीडल लेसिरेशन। क्राइडेरियंस जो हैं ये डायोशियस हैं डायोशियस हैं तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज़ एक्सटर्नल और इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोड बनेगा जाइगोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेगा डेवलप करने के बाद एक ये टिपिकल लार्वे में अपने आप को चेंज कर लेता है वो लार्वा जो है दैट इज़ सिलिएटेड रेडियल सिमेट्रिकल और उसका अपना एक स्पेसिफिक नाम है उस लार्वे को हम कहेंगे प्लैनुला लार्वा तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि पॉलिप्स जो हैं दे नॉर्मली रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और जो इसके अंदर बाय बर्डिंग और बाकी इसके अंदर जो मेडुसा uh, हैं वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेंगे अब इस डायग्राम में आप देखें कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ क्वाइट एविडेंट इन डिफरेंट एनिमल्स ऑफ फाइलम फायलमकनाइडेरिया अब मेडूसा जो है अभी हमने बात की कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो नॉर्मली एग्स और स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी अब डिपेंडिंग अपॉन दिन इनके अंदर कितनी स्पीशीज़ के अंदर क्या कितना उसका साइज है या स्पीशीज़ की टाइप कौन सी है तो कनाईडेरियस जो हैं ये मोनीशियस भी हो सकते हैं मोनीशियस को हम उनके लिए एक और टर्म भी यूज़ करते हैं हरमा फ्रोडाइट का मतलब है कि एक इंडिविजुअल है इट इज़ कैपेबल ऑफ़ प्रोड्यूसिंग बोथ एग्स एज वेल एज स्पम्स और नाइडेरियंस जो हैं डायोशियस भी हो सकते हैं डायोशियस का मतलब है कि इसके इंडिविजुअल्स की सेपरेट सेक्सेज हैं वन विल प्रोड्यूस स्पाम्स एंड द दर विल प्रोड्यूस एग्स लेकिन इनके अंदर हारमाफोडाइट स्पीशीज जो भी हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर लेते हैं जेली फिश की जेली फिश जो है वो क्लास साइफोजोआ से बिलोंग करती है डाओशियस है इसमें एक नाइडेरियंस जो हैं पॉलीप और मेडुसा दोनों स्टेजेस में नॉर्मली स्विच ऑफ करते रहते हैं और जब इनके स्विचिंग ऑफ होने से सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रिपीट होता रहता है अब इस प्रोसेस को हम स्ट्रॉबिलेशन भी कह देते हैं कि पॉलिप स्टेज रिजनरेट हो जाएगी और इसमें मेडूसा जो है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन होगी प्लैनुला लार्वा बनेगा प्लैनुला लार्वा जो है अगेन दिस विल डेवलप इनटू अ पॉलिप और ये साइकिल जो है कंटिन्यूस रहेगा अब इस डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये सी एनिमून है सी एनिमून के अंदर ये पॉलिप ए रिप्रोडक्शन ए रिप्रोडक्शन से एफ्रिया बना और इसमें अडल्ट से मेडूसा बने मेडूसा के अंदर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई जयगोट बना जायगोट से प्लैनुला लार्वा बना प्लैनुला लार्वा से ये अडल्ट बना और इस अडल्ट से फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू हुआ सो इन द लाइफ साइकिल ऑफ कनाईडेरियन बोथ सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे आल्टरट विद वन अनदर और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत सी ऐसी वेरिएशंस हैं स्पीशीज़ के अंदर जो इनके लाइफ साइकिल के अंदर भी वेरिएशंस लाएंगी। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पॉलिप स्पीशीज़ जो हैं वो क्लास एंथोजोआ में ट्रंकेटेड वर्शन लाइफ साइकिल की शो करेंगी और ये अपने अंदर जो मेडूसा की स्टेज है उसको ओमिट कर देंगी इसी तरह से कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर पॉलिप नहीं बनेगा यानी यह भी हो सकता है ज़रूरी नहीं कि पॉलिप और मेडुसा एक दूसरे को अल्टरनेट करें कुछ में पॉलिप अमिट हो जाएगा और कुछ के अंदर जो है वो मेडुसा अमिट हो जाएगा लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कनाइडेरियंस की नॉर्मली इसमें फर्टिलाइजेशन जो है दोनों तरह से हो सकती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कुछ स्पीशीज़ के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेल से स्पर्म रिलीज होंगे नॉर्मली दो स्पॉम्स, दे आर इंजेस्टेड बाय द फीमेल्स और वहाँ पे फिर फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा लेकिन कुछ क्राइडेरियन की स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा बल्कि एग्स और स्पर्म्स जो हैं ये दोनों ऑर्गेनिज्म से दे आर रिलीज्ड इनटू आउटर एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉर्मली एक्वेटिक और फर्दर फर्टिलाइजेशन वाहिर होगी इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहाँ पे फिर जयगॉड बनेगा जयगॉड से प्लेनोला लार्वा बनेगा और इससे अडल्ट बनेंगे तो ये इसके अंदर हम कह सकते हैं कि फाइलम क्राइडेरियंस में एसेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों स्टेजेस दे बोथ अल्टरनेट वन अनदर एंड आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिनिना ऑफ रिप्रोडक्शन that takes place in Phylum, Nigeria.